दोस्तों देखो क्या जबरदस्त साइट है यार, मज़ेदार। अच्छा फैसला था हमारा यहाँ पे आने का, मोइरा टॉप कवर करने का। बताओ चक्राता भी एडवेंचर हो गया भाई, है सही है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार, पानी साथ में लेके आना। तलवार वही है कि जो तेरी ज़िंदगी में अंधेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज अपना चक्राता में लास्ट दिन, तो अभी हम निकल रहे हैं फिलहाल तो ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद निकलेंगे मोइरा टॉप के लिए। और मोइरा टॉप जो यहाँ से है तकरीबन 48 किलोमीटर का रास्ता है, और उसके बाद 2.5 से 3 किलोमीटर ट्रैक है, ठीक है। तो सुना है मोइरा टॉप काफ़ी अच्छा है, वहाँ हिमालयन व्यू वगैरह आते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो देखते हैं, देखने को मिलता नहीं मिलता व्यू, नहीं तो ऐसी धुंध रही तो फिर मुश्किल है, बट हाइट ज़्यादा है तो क्या पता देखने को मिल जाए। तो अब निकलते हैं, पहले रास्ता करते हैं, उसके बाद सीधा मोइरा टॉप के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपने रास्ते में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मोइरा टॉप के लिए निकल चुके हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं, शायद आधा घंटा हो गया है। और रास्ता देखो यार, और छोटा हो गया है, और हाइट भी अच्छी गेन कर ली, अभी तो फिलहाल नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ से अभी लोखंडी पहुँचना, लोखंडी के बाद है 2.5-3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता ऑफ रोड, और उसके बाद शुरू होगी ट्रैक 2 से 2.5 किलोमीटर किलोमीटर की, ठीक है। तो पहले लोखंडी पहुँचा, लोखंडी अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास, और रास्ता और नज़ारे कुछ ऐसे देख लो। और यहाँ से यही रास्ता हिमाचल के लिए भी आता है, शिमला के लिए। शिमला यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ से दोनों राज्य जुड़ सकते हैं आगे जाके, शिमला और उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल और उत्तराखंड, तो दोनों यहाँ से राज्य जुड़ जाते हैं थोड़ा आगे जाके। बट हमें तो भाई अभी बस मोइरा टॉप तक जाना है, और रास्ते छोटे हो गए हैं, आगे चलते थोड़ा कच्चा रास्ता भी आएगा, बट ऑल एंड ऑल भाई मज़ा आ रहा है। ये देखो लंगूर है यहाँ तो, अरे वाह लंगूर। ये देखो पूरा का पूरा खाई, जगह सही है भाई, अच्छी जगह है, मतलब वीकेंड के लिए आ सकते हो। ऋषिकेश, नैनीताल, ये तो देखो बहुत क्राउडेड हो गया है, क्राउडेड तो खैर ये भी है, बट उसके मुकाबले कम ही क्राउडेड है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है दिल्ली से, मात्र 7 घंटे का रास्ता है। रुकते रुकाते आओगे तो 8 घंटे 8.5 घंटे में पहुँच जाओगे, अगर गाड़ी से आए तो 8 घंटे पहुँच जाओगे, बाइक से आए तो 9 घंटे पहुँच जाओगे। तो रास्ता अच्छा है, पूरा बना हुआ है सही से। दोस्तों चढ़ रहे हैं ऊपर अपनी वाली चढ़ाई, सुल्तान कर दे चढ़ाई भाई। हाइट देख रहे हो, अच्छी खासी हाइट गेन हो गई भाई, अच्छी खासी हाइट गेन हो गई, नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो कितने स्टीप, मतलब स्टीप कह रहा हूँ, स्टीप तो है ही है, साथ में कर्व देख रहे हो, तुरंत में आ रहा, तुरंत में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी लंबा लंबा रास्ता आ रहा है, तुरंत तुरंत में कर्व आ रहे भाई, वही ब्लाइंड स्पॉट वाले, बट मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। आते तलवार मज़ा आ रहा है, रास्ता सही है ना, देख हाइट दोस्तों देखो क्या जबरदस्त हाइट है यार, मज़ेदार। अच्छा फैसला था हमारा यहाँ पे आने का, मोइरा टॉप कवर करने का, वरना हम सोचते थे निकलने के लिए घर से कि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लायक तो है नहीं इतना, एक चिरीमिरी टॉप और टाइगर फॉल के अलावा, बट सोचा पर ये इतना पास है, मतलब पास तो है नहीं इतना, है 30-40 किलोमीटर, बट इतना चलता है, तो डिसीजन सही रहा हमारा आने का। तो दोस्तों यहाँ
यहाँ से शुरू होता है कच्चा रास्ता मोयला टॉप के लिए, और ये कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अंदर जाता रास्ता, ठीक है। अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है कच्चा, फिर उसके बाद ट्रैक है, ठीक है। तो अब चलते हैं कच्चे रास्ते हुए और फिर ट्रैक शुरू करते हैं। कहाँ को जाना, ये वाला हुआ, ये लिखा ना मोयला टॉप, दूरी 6 किलोमीटर, इधर इधर लिखा ना मोयला टॉप, दूरी 6 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है कच्चा रास्ता 3.5 किलोमीटर का, उसके बाद 2.5 किलोमीटर का ट्रैक, तो टोटल हो गया 6 किलोमीटर दूरी जो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो कुछ ऐसा यहाँ से देखो बाइक तो चले जाते, चलिए तो खैर कार भी जाएगी यहाँ से, इतना चौड़ा रोड था कि कार भी जा सकती है, ले जाने वाले ले जाते भी होंगे। लेकिन है तो कच्चा ही रास्ता पूरा का पूरा। बताओ चक्राता भी एडवेंचर हो गया भाई, है सही है। तो दोस्तों ट्रैक शुरू कर चुके हैं हम यहाँ से, यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर की ट्रैक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार, पानी साथ में लेके आना स्टार्टिंग से ही, यहाँ पे कहीं भी पानी नहीं पूरे ट्रैक में। तो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ से पानी लेके आना भाई, ठीक है ना। अब चलते रास्ते में आगे और दिखाते नज़ारा आपको। दोस्तों रास्ता थोड़ा ऐसा ही है, पूरा स्टीप स्टीप है, अभी तक तो भाई स्टीप ही मिल रहा है हमें। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ डेंस फॉरेस्ट वाला, बढ़िया एकदम। नष्टी पे दोस्तों देख लो, तलवार पीछे देख, बताइए मिस्टर तलवार, वरुण तलवार, अब तक का ट्रैक आपको कैसा रहा? स्टार्टिंग में चूतिया पा लगा, बट अब गुड, हवा अच्छी चल रही है, हवा चल रही है, स्टीप है काफी, लेकिन स्टीप है बट ठीक है, बढ़िया, नॉट दैट मच लॉन्ग कि हमें प्रॉब्लम हो। ऑलमोस्ट पहुंचने भी वाले हम, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता हो गया, तो सीधा मिलते हैं ऊपर आपको, ठीक है। देख रहे हो है शिव भगवान का मंदिर, और मैं स्टोरी देखो कुछ पता नहीं था बताऊँ, लेकिन मंदिर बहुत सही है, ये यहाँ के लोगों से बनाया गया, तो काफ़ी आस्था है, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, तो दर्शन वगैरह कर लिए। यहाँ से चलते गुफा से, इधर एक गुफा है तो वो देखा जाता है, बाकी दर्शन अच्छे से हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, भीड़ भी इतनी नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं भीड़, तो चलते गुफा की ओर, ठीक है ना। तलवार वही है कि जो तेरी जिंदगी में अंधेरा, चल आगे। तो दोस्तों बस हम गुफा बाहर से देख के आ गए, ज़्यादा अंदर नहीं गए, और क्यों नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत हो रखी है, एक बार में 20-20 बंदे घुसे हुए हैं, और टाइम बहुत लग रहा था, टाइम हमारे पास है लिमिटेड, अब 3 बज गए हैं, अब उतरते उतरते 4 बज जाएंगे, 4:45 बज जाएंगे, उसके बाद बाइक चला के नीचे भी जाना है, तो इसलिए। और अंधेरा ही है, कुछ है भी नहीं था खास, क्योंकि पूछा 2-4 लोगों से, कह रहे नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमारे करियर अंधेरा बिल्कुल, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। मंदिर हम घूम लिए,
मज़ा आया वहाँ पे दर्शन करके। अब नीचे उतरना शुरू करते थोड़ी देर में, बैठ के अपना पानी वानी पी के फिर चलते नीचे बाइक से, अपना नीचे उतर के अपना रूम पे पहुँचेंगे आराम से। आज है फाइनल आईपीएल का, वो देखेंगे ठीक है, और कल सुबह निकल जाएंगे दिल्ली, जीते की तो हैदराबाद ही गया, चल देखते कौन मिलेगा। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। रास्ता देखो यार, ये रास्ता जब आए थे उस टाइम तो लगा कि हो जाएगा, लेकिन भाई रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है। ये वाला रास्ता देख के मुझे वो पंचायत सीरीज का डायलॉग याद आ गया, साला रोड़ी बवासीर है, और मैं तो कह रहा हूँ तो बवासीर बंदर पवंदर सब है। अरे देखो ये गलत पत्थर पड़ जाए तो स्पीड और होती है, ये बस थोड़ा सा पैसे है जो थोड़े पत्थरीले जो है उठे उठे पत्थर, और ये भी डर है कि टायर ना फट जाए इसमें, लेकिन हाँ मज़ा पूरा आ रहा भाई, मज़ा आ पूरा इसमें एडवेंचर में। चलो यार टायर बिल्कुल सीधा रखिए, बस चढ़ने में दोस्त होने लगे थे ट्रैक पे 1 घंटा 15 मिनट और उतरने में लगे हैं सिर्फ 40 मिनट, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तो थोड़ा स्टीक पे इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो भी जब आप रहते हैं 10-15 मिनट बाद तो वो भी हो जाता है आराम से। अभी तुम ये रोड देखो यार, हट गए भाई, कुछ क्या कर रहे हो, एकदम हम लेट रहा थोड़ी डर गए। ये देखो नुकीले पत्थर भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज ख़त्म होता है हमारा चक्राता का सफ़र यहीं, ठीक है, अब निकल रहे हम दिल्ली के लिए, और आज कुछ है नहीं ऐसा कुछ दिखाने, दिल्ली का सेम रास्ता दिखाने में कोई मज़ा आएगा नहीं, तो कुछ बढ़िया दिखाएंगे, नहीं तो फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ को यहीं करते हैं एंड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जगह पर नए सफ़र के साथ, बाय बाय, इन्जॉय लाइफ।